नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए लेक्चर में। आज हम ड्रम ब्रेक के बारे में जानकारी लेंगे। पहले देखेंगे हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम का लेआउट। अभी यह जो साइड है यह फ्रंट साइड है व्हीकल की और यह जो है रियर साइड है। सो आपके सामने जनरल लेआउट है ऑटोमोबाइल का और उसमें फ्रंट साइड ब्रेक और रियर साइड ब्रेक दिखाए गए हैं। ये जो दो ब्रेक है वो फ्रंट साइड ब्रेक है और ये जो दो है वो रियर साइड ब्रेक है। अभी फ्रंट साइड ब्रेक डिस्क ब्रेक है और रियर साइड ब्रेक जो है वो ड्रम ब्रेक है। तो जनरल ऑटोमोबाइल लेआउट में डिस्क ब्रेक के फ्रंट साइड को बिठाए जाते हैं और ड्रम ब्रेक जो है वो रियर साइड मतलब पिछले साइड में बिठाए जाते हैं। इसी का मैं थ्री डायमेंशनल पिक्चर दिखाऊंगा आपको। ये जो है थ्री डायमेंशनल पिक्चर है जिसमें हम क्लियरली देख सकते हैं डिस्क ब्रेक एक्चुअल शेप और साइज ऐसा रहेगा। ये डिस्क ब्रेक का ये फ्रंट साइड है और ये जो दो है वो रियर साइड में ड्रम ब्रेक है। तो जनरली रियर व्हील में ड्रम ब्रेक रहेंगे। ये जो है यहाँ पे पेडल है जो ड्राइवर के लेग से कंट्रोल होगा और जब ड्राइवर फोर्स देगा यहाँ पे तो ब्रेक अप्लाई होगा। तो जनरली ड्रम ब्रेक जो है वो रियर साइड को रहेगा। अभी हम देखेंगे ड्रम ब्रेक का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। तो चलो कंस्ट्रक्शन देखेंगे। यहाँ पे आपके सामने ड्रम ब्रेक के डायग्राम है। इसमें बैक प्लेट है, ये जो है यहाँ पे बैक प्लेट है और बैक प्लेट पे सभी कंपोनेंट माउंट किए गए हैं। तो अभी बैक प्लेट पे ब्रेक शू, ये जो है ये ब्रेक शू है सी शेप जैसा, यह माउंट किया गया है। ब्रेक शू के दो एंड जो है यह दो एंड यहाँ पे पिवोटेड है मतलब पिन जॉइंटेड है, कनेक्टेड है। पिन जॉइंटेड मतलब अबाउट दिस ये रोटेट हो सकता है और अबाउट दिस ये रोटेट हो सकता है। ये दोनों के बीच में जो सेंटर है, सेंटर डिस्टेंस है वो एडजस्टर से हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो यह डिस्टेंस बढ़ा भी सकता है, यह डिस्टेंस कम भी कर सकता है। ब्रेक शू के एक एंड के तो पिवोट हो गया, दूसरे एंड पे यहाँ पे व्हील सिलेंडर लगेगा। अभी व्हील सिलेंडर क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह व्हील सिलेंडर है मतलब ड्रम ब्रेक के बीच में यहाँ पे एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। यह जो हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख रहे हैं वो पिस्टन है, दो पिस्टन है और सेंट्रली एक फ्लूड की लाइन आ गई है। तो ये यहां से फ्लूड आएगा और ये दो पिस्टन के बीच में सेटल होगा और जब प्रेशर बढ़ेगा तो दोनों पिस्टन आउटवर्ड मूव होंगे। अभी दोनों पिस्टन का जो पिस्टन रॉड है, पिस्टन का जो रॉड रहता है वो ब्रेक शू को कनेक्टेड है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ एक रॉड है और यहाँ एक रॉड है, ये दो रॉड ब्रेक शू को कनेक्टेड है। तो जब मैं फ्लूड सप्लाई करूंगा तो यहाँ पे फोर्स जनरेट होगा और फोर्स जनरेट होने के कारण ये दोनों आउटवर्ड जाएंगे। तो एक एंड पे प्योर्ट एंड है और दूसरे एंड पे व्हील सिलेंडर है। यह सिलेंडर व्हील में बिठाया गया है इसलिए उसको व्हील सिलेंडर नेम दिया गया है। अभी ब्रेक शू का एक्चुअल फोटोग्राफ, यहाँ पे ब्रेक शू का एक्चुअल फोटोग्राफ ऐसा रहेगा। तो यहाँ पे जो ब्लैक कलर आप देख रहे हैं वो है ब्रेक लाइनिंग या फ्रिक्शन मटेरियल। तो अभी ब्रेक लाइनिंग और फ्रिक्शन मटेरियल का पर्पज क्या है, वो ड्रम से रब होके फ्रिक्शन जनरेट करेगा। तो ये जो आउटर है यहाँ पे ब्रेक ड्रम, यह ब्रेक ड्रम है, ब्रेक ड्रम पे व्हील अटैच है। तो जब ब्रेक ड्रम रोटेट होगा तो व्हील भी रोटेट होगा और जब व्हील रोटेट होगा तो ड्रम भी रोटेट होगा। ब्रेक ड्रम और व्हील ये दोनों नट और बोल्ट को यूज करके अटैच किए गए हैं। तो ये जो ब्रेक लाइनिंग है एक्चुअल में ऐसा दिखेगा, आप देख सकते हैं ये जो है ब्रेक लाइनिंग है और ये जो मेटालिक पार्ट आप देख रहे हैं ये मेटालिक पार्ट को हम ब्रेक शू बोलते हैं। तो अभी ये जो ब्रेक लाइनिंग है ब्रेक शू पे अटैच किया गया है बाय यूजिंग रिवेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे रिवेट है, तो रिवेट यूज करके हमने वहां पे बिठा गया। इसमें और एक फिगर है, थ्री डायमेंशनल फिगर, जिससे मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि असेंबली कैसे की गई है। ये जो है ये बैक प्लेट है जो मैंने यहाँ पे दिखाया था, उसके बाद ये ब्रेक शू है, यहाँ पे हमने ब्रेक शू दिखाए गए थे और ब्रेक शू के डाउन साइड जो पार्ट है वहां पे एडजस्टर रहेगा। तो यहाँ पे एडजस्टर रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा, व्हील सिलेंडर जो कि यहाँ पे दिखाया गया है, यह व्हील सिलेंडर है आप देख सकते हैं। और यह सब असेंबली करने के बाद उसके बाद यह जो है यह केसिंग बिठाई जाएगी और उस पर व्हील बिठाया जाएगा। ओके, तो मुझे अगर व्हील का रोटेशन स्टॉप करने का है तो मुझे ब्रेक ड्रम का रोटेशन स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि ब्रेक ड्रम पे ही, इस ब्रेक ड्रम पे ही व्हील अटैच है। तब इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, जनरली जब भी व्हील रोटेट होता है मतलब ड्रम रोटेट होता है तब ये जो फ्रिक्शन मटेरियल है वो ब्रेक ड्रम के कॉन्टेक्ट में नहीं रहेगा, तो उसमें गैप रहेगा, ब्रेक लाइनिंग और ड्रम के बीच में गैप रहेगा।
तो गैप होने के कारण ब्रेक ड्रम जो है वो कंटिन्यूसली रोटेट होगा। जब मुझे व्हीकल स्टॉप करने के है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे ब्रेक अप्लाई करूंगा। जब मैं यहां पे ब्रेक अप्लाई करता हूं तो मास्टर सिलेंडर में फ्लूड रहेगा, ब्रेक फ्लूड, वो ब्रेक फ्लूड यहां पे सप्लाई, यहां पे आके जाएगा व्हील सिलेंडर को। तो व्हील सिलेंडर में आने के बाद यह प्रेशर इंक्रीज करेगा दो पिस्टन पे। प्रेशर इंक्रीज होने के कारण दोनों पिस्टन बाहर आउटवर्ड डिस्प्लेस होंगे, मतलब बाहर जाएंगे। जब ये बाहर जाएंगे तो ब्रेक शू को भी बाहर की ओर फोर्स देंगे, और जब ब्रेक शू को बाहर की ओर फोर्स देंगे तो ब्रेक लाइनर जो है वो ड्रम के कांटेक्ट में आ जाएगा। और पहले से हमको मालूम है कि ब्रेक ड्रम जो है वो स्पीड से रोटेट होगा, और स्पीड से रोटेट होते हुए ब्रेक ड्रम पे अगर मैं लाइनिंग कांटेक्ट कर दूं तो फ्रिक्शन जनरेट होगा, और फ्रिक्शन होने के कारण ब्रेक ड्रम का रोटेशन स्टॉप होगा। जब मैं रिलीज करूंगा ब्रेक पैडल पे हुआ फोर्स रिलीज करूंगा तो यह फोर्स भी कम होगा, और इस स्प्रिंग का यूज करके वो दोनों ब्रेक शू अंदर खींचे जाएंगे। जब और एक बार मैं फोर्स दूंगा तो ये बाहर की ओर जाएंगे, बाहर की ओर जाने के बाद यह ब्रेक लाइनर ड्रम ब्रेक को कॉन्टेक्ट में आ जाएगा और स्टॉप होगा। जब मैं ब्रेक पैडल रिलीज करूंगा तो दोनों अंदर खींचे जाएंगे स्प्रिंग का यूज करके। तो अभी तो मैंने आपको हाइड्रोलिक ड्रम ब्रेक के बारे में जानकारी दी। अभी इसके बाद यहाँ पे एक फिगर है, यहाँ पे भी आप वर्किंग प्रिंसिपल अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रेक पैडल है, ब्रेक पैडल जाएगा वैक्यूम और पावर बूस्टर पे, वैक्यूम और पावर बूस्टर की वजह से मुझे लगने वाला फोर्स कम लगेगा। उसके बाद यह है मास्टर सिलेंडर जिसमें ब्रेक फ्लूड रहेगा। उसके बाद मास्टर सिलेंडर का जो ट्यूब है वो जाएगा व्हील सिलेंडर को, तो ब्लू कलर जो आप देख रहे हैं वो है व्हील सिलेंडर है। तो फ्लूड दोनों पिस्टन के सेंटर में आ जाएगा और दोनों पिस्टन को बाहर फोर्स देगा। तो ये जो रेड कलर है ब्रेक शू के ऊपर ब्रेक लाइनिंग अटैच है, और वो ब्रेक लाइनिंग ब्रेक ड्रम के कॉन्टेक्ट में आने के बाद व्हीकल को स्टॉप करेगा। तो जब भी हम यहां पे फोर्स देंगे तो फ्लूड जो है यहां से यहां आएगा और पिस्टन आउटवर्ड मूव होगा और ब्रेक ड्रम के कॉन्टेक्ट में आ जाएगा और व्हीकल स्टॉप होगी। तो अभी तो मैंने आपको दिखाया हाइड्रोलिक ऑपरेटेड ड्रम ब्रेक, मतलब फ्लूड का यूज करके ड्रम ब्रेक कैसे ऑपरेट होता है। अगर आपको मैकेनिकल ड्रम ब्रेक देखना है, मतलब फोर्स जो यहाँ पे है, यहाँ पे पेडल पे का जो फोर्स है वो व्हील सिलेंडर तक आ जाएगा या ब्रेक शू तक आ जाएगा मैकेनिकल कंपोनेंट यूज करके। तो यहाँ पे दो मैकेनिकल ऑपरेटेड ड्रम ब्रेक दिखाए गए हैं। यहाँ पे वायर कनेक्ट रहेगा और वो वायर ब्रेक पेडल को कनेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे यह ड्रम ब्रेक है, यह ब्रेक शू है, ब्रेक शू पे लाइनर है, और यहाँ अभी करंटली लाइनर और ब्रेक ड्रम के बीच गैप है, मतलब फ्रिक्शन जनरेट नहीं होगा। और ब्रेक ड्रम अगर रोटेट हो रहा है तो वो फ्रीली रोटेट होगा। जब मैं ब्रेक पैडल ऑपरेट करता हूँ तो ये यहाँ पे जो वायर कनेक्ट रहेगी वो इस डायरेक्शन पे खींची जाएगी। तो जब ये इस डायरेक्शन पे खींची जाएगी, यहाँ पे जो कैम है, ये इलिप्टिकल शेप कैम है, तो यहाँ पे खींचे जाने के बाद अभी ये इलिप्टिकल शेप कैम वर्टिकल है, उसके बाद हॉरिजेंटल होगा। जब ये हॉरिजेंटल होगा मतलब ऐसा शेप आएगा, तो क्या करेगा यह क्या, ब्रेक शू को फोर्स देगा, और ब्रेक शू को फोर्स देने के कारण ब्रेक शू आउटवर्ड मूव होगा, और जब ये आउटवर्ड मूव होता है तो ब्रेक लाइनर ब्रेक ड्रम के कॉन्टेक्ट में आ जाएगा और फ्रिक्शन जनरेट करके ड्रम का रोटेशन स्टॉप करेगा। जब मैं ये फोर्स रिलीज करता हूं तो ये रिट्रैक्टिंग स्प्रिंग यूज करके शू अपने ओरिजिनल पोजिशन पे आ जाएगा। यहाँ पे दूसरी फिगर दिखाई गई है, यहाँ पे स्मॉल मॉडिफिकेशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ कैम है, लेकिन यहाँ पे हमने यूज किया गया है टॉगल। सो दिस इज टॉगल ऑपरेटेड है, टॉगल ऑपरेट मतलब लिंक है। जब भी मैं पैडल ऑपरेट करता हूँ इस डायरेक्शन पे तो क्या होगा, ये मूव होगा लेफ्ट को। जब ये मूव होगा लेफ्ट को तो इस लिंक की वजह से, ये जो दो लिंक दिखाए गए है आपको, ये जो दोनों लिंक है, इस लिंक की वजह से जब ये यहाँ इस डायरेक्शन में खींचे जाएगा तो यह लिंक ब्रेक शू को लेफ्ट को फोर्स देगी, और यह लिंक इस ब्रेक शू को राइट को फोर्स देगी। तो ये राइट को मूव हो गया और ये लेफ्ट को मूव हो गया, और जब ये मूव होगा ब्रेक लाइनर के साथ मूव होगा। जब ब्रेक लाइनर के साथ मूव होगा तो यह ब्रेक ड्रम के कॉन्टेक्ट में आ जाएगा और फ्रिक्शन जनरेट होगा, और फ्रिक्शन की वजह से
ड्रम जो रोटेट है वो स्टॉप हो जाएगा और ये स्टॉप होने की वजह से व्हील भी स्टॉप हो जाएगा। तो अभी तो हमने वर्किंग देखा ड्रम ब्रेक का, यह ड्रम ब्रेक बहुत सारे एप्लीकेशन है इसके, यह टू व्हीलर में यूज किया जाता है, फोर व्हीलर में यूज किया जाता है, आपकी जो नॉर्मल टू व्हीलर है हीरो होंडा या बजाज जो भी है तो रियर साइड में ड्रम ब्रेक यूज किया जाता है और ट्रक बसेस में भी रियर ड्रम ब्रेक का यूज किया जाता है। ड्रम ब्रेक अगर हम कंटिन्यूसली यूज करते हैं तो उसकी जो ब्रेक लाइनिंग है यहाँ पे दिखाई गई है वो ब्रेक लाइनर की थिकनेस कम होती जाएगी और मुझे ये चेंज करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। तो ये वर्किंग था ड्रम ब्रेक के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।